दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि इलॉन मस्क ने इंडिया में अपनी इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया है। आज समझेंगे दोस्तों हम कि कैसे आप उनका इंटरनेट बुक कर सकते हैं, क्या उसका प्राइस रहेगा, क्या ये जियो को बर्बाद कर देगा, क्या इलॉन मस्क अंबानी को बर्बाद कर देंगे, इसके बारे में हम डिटेल में और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपको ये भी समझाएंगे कि इलॉन मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इन डेप्थ नॉलेज लेकर आते हैं आप लोगों के लिए आसान भाषा में। तो देखिए दोस्तों, पहले इंटरनेट का बेसिक समझ लेते हैं। आज की डेट में मोटे मोटे तौर पर जो ब्रॉडबैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली एक केबल होता है जो ज़मीन के अंदर या फिर समुद्र की सतह के ऊपर से बिछा कर शहरों तक, गाँव तक पहुँचाया जाता है। आपने भी अपने शहर में हो सकता है कि जियो का केबल बिछते हुए कई बार ड्रिल मशीन को ड्रिल करते हुए देखा होगा अपने शहर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया केबल डिपेंडेंट इंटरनेट। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या जो दुर्लभ एरियाज होते हैं वहाँ पर इस तरीके के वायर का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी तक वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पहुँच पा रहा है। अब समझते हैं इसके लिए इलॉन मस्क ने क्या किया है। देखिए दोस्तों, इलॉन मस्क ने वायर की डिपेंडेंसी छोड़कर सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू कर रहे हैं। आसान भाषा में समझने के लिए आप समझ लीजिए, जिस तरीके से हम लोग टाटा स्काई या दूसरे डीटीएच कनेक्शन देखते हैं, मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू हमारे घर में एक छतरी लगी रहती है, वो रिसीव करती है सिग्नल को और हम लोग ईजिली टीवी को आराम से एक बढ़िया स्पीड पर देख पाते हैं। इस सिद्धांत पर काम करते हुए इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। इलॉन मस्क के पास एक कंपनी और भी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, जिससे फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू वो एक बार में 60 सैटेलाइट को आकाश में भेज देते हैं। तो बेसिकली स्टारलिंक को यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी को हर जगह वायर बिछाने का झंझट बिल्कुल भी सामने नहीं आने वाला है। इसीलिए ये कोने से कोने तक और दुर्गम से दुर्गम एरियाज तक अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑलरेडी अक्टूबर 2020 से जो यूएस में इंटरनेट इन्होंने लॉन्च किया है, माइनस में टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेकर बर्फ पड़ने वाली जगहों पर या फिर बहुत तेज हवा वाली जगहों पर भी इन्होंने 175 Mbps की स्पीड ऑलरेडी अचीव कर ली है, जो कि वास्तव में अमेजिंग स्पीड होती है दोस्तों। इलॉन मस्क ने कंफर्म किया है कि अब वो इंडिया में अपनी इंटरनेट फैसिलिटीज़ को लॉन्च कर चुके हैं और इसको बुक करने के लिए सिंपली आपको इनकी साइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर इनका इंटरनेट कनेक्शन को प्री बुक कर लेना है। इस समय $99 में यानी कि लगभग 7300 रुपये के आसपास में आप जाकर प्री बुक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा अमाउंट रिफंडेबल होगा, मतलब अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए या पसंद नहीं आता है तो ये सारा का सारा अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर ये लोग 500 से 700 रुपये के बीच में मंथली प्लान एक बहुत शानदार वाला लेकर आने वाले हैं हम सब लोगों के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, तो क्या ऐसे में जियो जो कंपनी है उसकी बैंड बच जाएगी, क्या अंबानी बर्बाद हो जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, ये इतना सीधा सीधा इक्वेशन नहीं है कि इलॉन मस्क की कंपनी आएगी और अंबानी जी बर्बाद हो जाएंगे, बट डेफिनेटली इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ा एज इस बात का तो मिलेगा ही कि उन्हें कहीं पर भी वायर नहीं बिछाना है और सीधे सीधे वो आसमान से पूरा का पूरा इंटरनेट कंट्रोल और मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। तो इसको हम इस बात से कंक्लूड तो कर ही सकते हैं कि अंबानीज को या फिर जियो को मोटे मोटे तौर पर आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है दोस्तों। और कॉम्पिटिशन दोस्तों कैसा भी हो, कस्टमर कंज्यूमर के लिए तो बेहतर ही होता है। अगर हम आज की डेट में भारत की बात करें तो भारत में अभी तक मात्र 2.2 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक की दोस्तों एक रिपोर्ट है कि हर 10% इंक्रीज होने पर लोगों की जो कि ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं उससे इंडिया के GDP में 1.38% का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। अब आते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो के सबसे मास्टर क्वेश्चन के ऊपर कि इलॉन मस्क ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों वो इतना इंटरेस्टेड हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर इंडिया में, जो धड़ाधड़ सारे के सारे लॉन्चेस को वो प्रीफोन करके कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट चेंज होने से, मतलब ट्रंप के जाने के बाद और जो बाइडन के आने के बाद, इलॉन मस्क के लिए नुकसान ही हुआ है, क्योंकि ट्रंप जो थे वो प्रो बिजनेस थे और बाइडन बिजनेस को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो ऐसे केस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क वास्तव में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो चुके हैं, तो इस समय वो चाहते हैं कि वो खुद गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें। इसीलिए उन्होंने हाल ही में बिटकॉइंस भी खरीदे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेगुलरिटी को चैलेंज करना चाह रहे हैं। और इस समय इस तरीके के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इंडिया में लॉन्च कर वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ US में नहीं है, और अगर अपनी डिपेंडेंसी US से बाहर निकालनी है तो इंडिया से बेहतर कोई भी मार्केट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मार्केट है जो US को सपोर्ट करता है। इसीलिए एलन मस्क ने बहुत ही रैपिडली अपने प्लान्स को इम्प्रूव करके इंडिया में अपने इंटरनेट कनेक्शन को लॉन्च कर दिया है। आशा करते हैं दोस्तों हम आपको ठीक से समझा पाए होंगे कि क्यों एलन मस्क अपनी कंपनी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, क्यों वो इतने कम पैकेजेस पर उतार रहे हैं, और क्या रहने वाला है उनका स्टारलिंक का जियो के साथ कॉम्पिटिशन। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों हमारे वीडियो को।